छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। तेलंगाना के भद्रादी कोठागुडम जिले में कार्रवाई करते हुए तेलंगाना पुलिस ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया। वहीं मरने वालों में चंद्रल पुलेरी रेड्डी ग्रुप के सीनियर लीडर चंद्र पुलेरी रेड्डी भी शामिल है। सभी नक्सली जनशक्ति दल के बताए जा रहे हैं। वहीं घटनास्थल से पुलिस को भारी संख्या में हथियार और नक्सली सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि ये नक्सली छत्तीसगढ़ से वारदात को अंजाम देकर तेलंगाना जंगलों से वापस जा रहे थे कि तभी पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हो गई थी। उत्तरकाशी वर्ष 2012 आपदा में असी गंगा में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद 3 अगस्त 2012 को गंगोरी पुल पूरा बह गया था, जिसके बाद सीमा सड़क संगठन ने वैली ब्रिज तैयार किया था, जिससे 2012 से लगातार गंगोरी यात्रा संपन्न हुई। लेकिन इतने लंबे समय से सिस्टम द्वारा वैकल्पिक पुल तैयार न करने से अब गंगा घाटी के लोग परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि गंगोरी का वैली ब्रिज पुल भी लगातार यातायात के दबाव में अब दम तोड़ चुका है, जिसके चलते फिलहाल गंगोरी से उत्तरकाशी तक आवागमन ठप हो गई है। असम के नगांव कछुआ में कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सरकार द्वारा हिंदू बांग्लादेशी लोगों का नाम एनआरसी मिलाने का विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ ही प्रतिवादी जनता ने नागालैंड चुक्ति का विरोध भी किया। गुस्साए कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने मुख्यमंत्री का पुतला भी भूका। पश्चिम बंगाल के हुगली में चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत चंदन नगर थाना पुलिस ने एक बार फिर सफलता हासिल करते हुए गुप्त सूचना पर 5 कुख्यात को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये सभी बदमाश चूड़ा और चंदन नगर संगलन इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार डकैती के मकसद से ये सब एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए थे। वहीं इनके पास ने पुलिस ने कुछ हथियार भी बरामद किए हैं। मैनपुरी में एक विवाहिता को उसके पति ने मारपीट कर मार डाला। मृतका का 8 साल का मासूम बेटा अपनी मां की मौत का चश्मदीद है। घटना शहर कोतवाली के छपट्टी मोहल्ले की है। बता दें कि पति पत्नी दोनों के बीच आमतौर पर झगड़ा होता रहता था। इसी क्रम में पति ने पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। मृतका के माई के पक्ष की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बहराइच पुलिस ने 7 शातिर पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 15 मवेशी बरामद किए गए हैं। तस्करों ने गिरफ्तारी करने आई पुलिस टीम की गाड़ी को ठोकर मार उन पर गाड़ी चढ़ाने का तक प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जान बचाते हुए इन तस्करों को धर दबोचा। इनके विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम और जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। झारखंड हजारीबाग में मध्यान्ह भोजन अब अक्षय पात्र के द्वारा दिया जाएगा। सूचना भवन में केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में भारतीय विमानपत्तन के अधिकारियों ने और अक्षय पात्र के अधिकारियों ने इस आशय के समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए। बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट को CSR के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हजारीबाग में करेगी, जहां 1 लाख स्कूली बच्चों के मध्यान्ह भोजन तैयार करने के लिए रसोई घर बनाया जाएगा। झारखंड देश का 13वां राज्य होगा जहां अक्षय पात्र भोजन की व्यवस्था दिखेगी। महिला सुरक्षा को लेकर सहारनपुर के देवबंद में नवाज गर्ल्स पब्लिक स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल की छात्रा को सहारनपुर SSP ने अपनी सुरक्षा के तरीके बताए। कार्यक्रम में मशहूर शायर नवाज देवबंदी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान SSP बबलू कुमार ने बताया कि DGP के आदेशों के अनुसार नारी सुरक्षा मनाया गया। उसी के अंतर्गत कई कॉलेजों में जाकर छात्राओं को अपनी सुरक्षा के तरीके बताए गए। 1090 सेवा की विस्तृत जानकारी दी गई और 100 नंबर से कैसे फायदा हो इसकी भी जानकारी दी गई। बुलंदशहर में शादी में शामिल होकर वापस अपने घर जा रहे कार सवार पहासों के रजबाहे में जा गिरे, जिसमें BSF जवान सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 2 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि देर रात कोहरे के कारण बारातियों से भरी कार अनियंत्रित हो गई थी, जिसके चलते यह हादसा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया है।